हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवसेना का जो अखबार है उसका पोपट सामना, उसमें आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा है कि देश भर में बुरखे पे पाबंदी लगानी चाहिए, बुरखे को बैंड करना चाहिए, बुरखा अलाउड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल देश में चुनाव चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का नोट लेना चाहिए और पेपर सामना को और उनके चीफ उद्धव ठाकरे को इमीडिएटली नोटिस इशू होना चाहिए इस तरह के बेबुनियाद बयानबाजी के लिए। अब ये देखिए, आए दिन इस तरह की बातें क्यों हो रही है? चार चरण हो गए चुनाव के, शिवसेना और भाजपा के अंदर एक घबराहट बौखलाहट है कि चारों चरण में देश की जनता ने इनको ठुकरा दिया, इनको उठा के फेंक दिया, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप चुनाव में इस तरह की बातें नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्सों को भी 72 घंटों का नोटिस दिया है, इनको भी नोटिस दिया जाए, इनके खिलाफ केस फाइल किया जाए इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा फंडामेंटल राइट है, शिवसेना पड़ती नहीं है, सामना इंक्वायरी नहीं करता, इग्नोरेंट है, इनको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, राइट टू प्रिवेसी है, फंडामेंटल राइट है, मैं जो पहनना चाहूँगा मैं पहन सकता हूँ, जो खाना चाहूँगा खाऊँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते इस बात में। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ बौखलाहट में पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव में जब इनकी पूरी नैया डूब गई है कोई मुद्दे नहीं बचे इस तरह की बेबुनियाद बातें करके लोगों का ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर नोट ले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही फिलहाल मेरी मांग है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।